नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली बरनाला रोड स्थित रेस्ट हाउस, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंचे। अजय सिंह चौटाला को बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। अजय सिंह चौटाला ने बबली को गले लगाकर आशीर्वाद दिया, जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पहले वे मुद्दे उठाने का काम करते थे, अब मुद्दों के समाधान की जिम्मेदारी मिली है, पहले की तरह वे अपना काम बखूबी करेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से जल्द ही नई ई व्हीकल पॉलिसी आएगी, जिसे साल 2024 तक सड़कों पर उतार दिया जाएगा। ई व्हीकल पॉलिसी को साल 2029 तक पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस दौरान चार्जिंग स्टेशन पर विचार किया जा रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में ई बस का प्रोजेक्ट चल रहा है और कई विभागों में ई व्हीकल लगाए गए हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए भी जल्द स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाली मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने परेड की सलामी भी ली। राज्यपाल ने प्रदेश के बुजुर्ग मरीजों के लिए हिदायतें जारी की हैं। अस्पताल प्रबंधन को उनको दोपहर 3 बजे के बाद बुलाए, ताकि बुजुर्गों को इंतजार ना करना पड़े। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के बीच विकास जारी रहा, अब और गति से विकास करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस पर कहा कि नॉन लीथल एक्टिविटी को छोड़कर बाकी केस वापस होंगे। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं, विभाग केस वापसी के समय पर फैसला करेगा। बुजुर्गों की पेंशन काटने पर बोले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नीति बनाई गई थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहचान पत्र बनने के दौरान मामले सामने आ रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। यमुनानगर की जिला जेल में आयुर्वेदिक केयर सेंटर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया। इस तरह सेंटर में 9 तरह के आयुर्वेद उत्पाद बनाए जाएंगे। इनमें एलोवेरा, आंवला, तुलसी और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शामिल हैं। ये प्रोडक्ट हाथ और मशीन से बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जहां कैदियों को रोजगार मिलेगा, वहीं जेल से वापस जाने के बाद ये सब मुख्यधारा में जुड़ पाएंगे, वो बाहर जाकर अपना रोजगार स्थापित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सी स्कीम चला रही है, लोन के जरिए कोई भी काम शुरू किया जा सकता है, निश्चित ही इन कैदियों को भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, मास्क और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचकर रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक भी ओमिक्रॉन मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,195 नए मामले, एक दिन में 302 लोगों की मौत। एक दिन में 7,347 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,172 नए केस सामने आए, 22 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 15,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 496 केस सामने आए, एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केस 1,000 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 126 केस, एक दिन में 34 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले आए सामने, सरकार ने एक बार फिर से सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने नए साल के मौके पर जश्न और संभावित भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्कों और चिड़ियाघरों को बंद रखने का आदेश दिया है। देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 781 मामले हो गए हैं।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की 167 मामले हो गए, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले आए सामने, इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 238 मामले हो गए। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 31 केस हो गए, जिसके बाद सरकार सख्त हो गई है। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 76 केस आए, इनमें से करीब 5 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 25 नए केस मिले, जिसके बाद ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 46 हो गया। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के 8 केस सामने हो गए हैं, जहां लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 34 केस हो गए, इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 12 केस हो गए, इसको लेकर सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली में पाबंदियां लगते ही परेशानियां बढ़ गई हैं। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी रहेगी, मेट्रो में सीटें भी आधी खाली रहेंगी। नाइट कर्फ्यू को लेकर सोनीपत प्रशासन की सख्ती हो गई, प्रशासन ने कर्फ्यू को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। कोरोना नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मास्क पहनने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा। 121 पीसीआर गाड़ियों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, सभी एसएचओ को दिए पालन करवाने के निर्देश। गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने जारी किए निर्देश, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। जिला उपायुक्त ने कहा, कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाए नया साल, कानून का सख्ती से पालन करना होगा। गुरुग्राम समेत हरियाणा में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के चलते पुलिस अपनी मनमानी करती है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाइट कर्फ्यू को लेकर आम लोगों का ये कहना है कि जो पब बार पार्टी हो रही हैं, उन पर भी सख्ती दिखाएं सरकार तो अच्छा होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर नुहू डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर लोग लापरवाही ना बरतें। नू डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। नए साल के जश्न के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 80 जगह नाके लगाकर चेकिंग होगी, जिले के बॉर्डर पर 10 जगह नाके लगाए जाएंगे। 200 से ज्यादा किसी भी समारोह में भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी, ज्यादा भीड़ जुटी तो आयोजकों पर केस दर्ज होगा। बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की परेशानियां बढ़ गई हैं। विदेश में प्रतिबंधों से देश की एक्सपोर्ट कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। मानेसर इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट की माने तो देश की इंडस्ट्री का ज्यादातर एक्सपोर्ट यूरोप में होता है, और यूरोप में ओमिक्रॉन के चलते इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पहले इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ कर रखती है, अब ओमिक्रॉन के चलते आर्थिक नुकसान से कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी। भिवानी में 31 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य तय कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारियां पूरी की हैं। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिना टीकाकरण के ही व्यक्ति का टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। शिकायतकर्ता का ही कहना है कि उसके फोन पर टीकाकरण सफलतापूर्वक लगने का मैसेज आया, जब उसने ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट चेक किया तो वो उस दिन जिले में नहीं था। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि शिकायत सीएमओ से लेकर डीसी तक को की गई है, जिन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भिवानी के गांव बड़ेसरा में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सैकड़ों ग्रामीण भिवानी लघु सचिवालय के बाहर पहुंचे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों ने पुलिस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल किए, तो वहीं आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह को ग्रामीणों ने मांग पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को हत्या प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कराने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में करीब एक महीना पहले हुई हॉरर किलिंग के मामले में मृतक युवती के पति ने युवा और महिला संगठनों के साथ मिलकर लघु सचिवालय पर धरना दिया है। 30 नवंबर को गांव धांगड़ की शिक्षा नाम की युवती के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी थी। युवती ने गांव के ही अनूप नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था, इसी के चलते परिजन नाराज थे। परिजनों के द्वारा युवती की हत्या करके गांव के शमशान घाट में दाह संस्कार का भी प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, परिजनों के खिलाफ दर्ज किया था। गरोडा में डेंगर माजरा रोड पर कस्टोडियन विभाग की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद चौथे दिन प्रशासन पीड़ितों के बीच पहुंचा। विश्राम गृह में एडीसी और एसडीएम ने पीड़ितों से मुलाकात का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से छत मुहैया कराने का भरोसा दिया गया, इतने समय रैन बसेरा और पटवार खाने में की जाएगी ठहरने की व्यवस्था। वहीं सरकारी जमीन पर सुविधा देने और गलत रजिस्ट्रियां करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। हांसी पुलिस ने जन्म मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने हांसी सिविल अस्पताल की वेबसाइट का पासवर्ड चोरी किया था। बता दें कि आरोपी व्हाट्सएप और फेसबुक के लोगों को लालच देकर उनके फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। भिवानी में बढ़ती ठंड और ओस से किसानों की सब्जी की फसलें लगभग तबाह हो गई। सब्जी की फसल तबाह होने से इनके दामों में भी उछाल हो सकता है। किसानों का ये कहना है कि उन्होंने बैगन, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, सब्जी उगाई थी, लेकिन ज्यादा ठंड और ओस ने उनकी फसल को तबाही के रास्ते पर आ दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे और फसलों के उचित दाम दे। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि किसानों को रात के समय सब्जी की फसलों को पॉलिथीन से ढक देना चाहिए। चरखी दादरी में आईटीआई के छात्र बस पास बनवाने के लिए गए थे। छात्रों की बस पास ना बनाने से इनकार कर दिया गया, जिससे छात्रों में भारी रोष है। छात्रों ने बस पास बनवाने की मांग को लेकर गांव बलाली में रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। रोड जाम के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मानेसर के नाहरपुर में 21 दिसंबर देर रात मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। शातिर चोरों ने दुकान से 2 दर्जन मोबाइल और 20,000 कैश समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हाथ साफ किया। मोबाइल शॉप में रखे मोबाइल फोन पर हाथ साफ करते वक्त 2 शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। मानेसर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम की सड़कें और फ्लाईओवर अवैध होर्डिंग से अटे पड़े हैं। नगर निगम अब होर्डिंग से अपना खजाना भरने की कोशिश करेगा। अवैध होर्डिंग को हटाने और उनके ऊपर सख्ती बरतने के साथ साथ अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की फॉर्चूनर गाड़ी में आग लगा दी गई। एमएलए हॉस्टल पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में आग लगाने का सीसीटीवी आए सामने। पेट्रोल डालकर गाड़ी में लगा दी गई आग। चंडीगढ़ में हरियाणा के 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर वापस टुआना लौट रहे युवाओं की गाड़ी पटियाला सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टुआना निवासी लवली मेहता और अंशित मेहता की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा। फरीदाबाद में ताऊ के लड़के ने चचेरे भाई को उतारा मौत की घाट। आरोपी ने धारदार हथियार से युवक पर किए कई वार। पाखल गांव पे चचेरे भाई पर किया जानलेवा हमला। जानलेवा हमले की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पानी का ट्यूबवेल लगाने को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी फरीदाबाद पुलिस। रादौर के सरकारी कॉलेज में कार में सवार होकर आए 2 युवकों ने कॉलेज के गेट के पास हवाई फायर किया। दोनों युवक हवाई फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। युवकों द्वारा की गई फायरिंग की घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
मैम के गिरावड़ गांव में 19 वर्षीय युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया। हत्या के पीछे आपसी झगड़ा बताया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए डीएसपी और एफएसएल टीम को बुलाया गया। युवक 12वीं क्लास का छात्र था। जब वो घर लौट रहा था तो कुछ युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मौके से फरार हो गया। बचपन का प्यार गाकर ख्याति पाने वाले सहदेव दिर्दो मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। हादसे में सहदेव को सिर पर गंभीर चोट आई। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सहदेव को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। सहदेव अभी डॉक्टर्स की निगरानी में है, जहां उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। पंत सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेटकीपर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया। पहली पारी में ही मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए।